ये देखो वहाँ पर क्या दक्ष मंदिर मतलब रामदेव जी के पिताजी का नाम पर तो दिखाते हैं मंदिर अंदर दिखता कैसा है आप लोगों को। बाहर से बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा है, अंदर से देखते हैं। यही बड़ी होगी। जय माता दी एवरीवन। तो आज आपको कराने वाले हरिद्वार के कनखल में सबसे ज़्यादा फेमस दक्ष मंदिर, दक्षेश्वर महादेव के नाम से भी ये टेंपल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हम खुद जानते हैं कि हम सोचा कि हमने बहुत सुन चुका है इसका नाम, चाहिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, हम आए हैं दक्ष मंदिर हरिद्वार में, तो दिखाते हैं मंदिर अंदर दिखता कैसा है आप लोगों को। बाहर से बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा है, अंदर से देखते हैं। ऋषिकेश तक हम नहीं जा पाएंगे कि हमारी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। दर्शन करने का केदारनाथ में बहुत ही थक चुके हैं हम, तो हम ऋषिकेश तक तो नहीं जा पाए। अब जहाँ भी जा रहे हैं आपको ले जा रहे हो, दिखाते हैं। यहाँ भी हरिद्वार में काफ़ी अच्छी जगह है, पर हम हरिद्वार दिखाते हैं आपको। अगर आप ये भूल नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि हरिद्वार यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक दक्ष मंदिर यानी दक्षेश्वर महादेव के दर्शन ना हो, तब तक हरिद्वार यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इस बात का याद जरूर रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं, वरना आपसे भी गलती हो सकती है। और यहाँ देखिए महादेव का खूब ढेर सारा भव्य मूर्ति तैयार किया गया है। यहाँ देखिए कितना 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 अच्छा लग रहा है। ये मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम देखा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने तो उत्तराखंड में थोड़ा बहुत देखा था इसको, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे टेंपल्स भी हैं। मंदिर है और आए काफ़ी देवी। हाँ, दक्ष मंदिर मतलब रई रामदेव जी के पिताजी का नाम पर। अच्छा, दूर से तो काफी अच्छा लग रहा है, दूर से बहुत दर्शन करी। चलिए अंदर करीब के चल के दर्शन करते हैं। और ये मंदिर काफी फेमस है, यहाँ मुझे आने के बाद पता चला कि दक्ष मंदिर या दक्षेश्वर महादेव के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और हरिद्वार का तो कंप्लीट ही नहीं माना जाता है जब तक आप दक्षेश्वर महादेव के दर्शन न करो। चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। और कुछ बाहर से ही देखिए देवी माता की मूर्ति रखी गई है, तो आप भी हाथ जोड़ लीजिए। और अंदर एकदम कैमरा अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने अंदर की वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई है। यहाँ देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए देख रहे हैं आप रेलिंग लगा के रखी गई है। और यहाँ पे बंदर भी काफ़ी हैं, जहाँ हनुमान रहेंगे वहाँ तो उनके वानर सेना तो रहेगी ही रहेगी। तो चलिए चलते हैं। और ये मंदिर मुझे कुछ अपने बनारस जैसा ही लग रहा है। आप सोच रहे होंगे हर चीज़ें मुझे बनारस क्या रहता है, अरे गाइज मैं बनारस की, मुझे हर चीज़ में अपने बनारस ही दिखाई देती है। ज़्यादा बात करते हुए नहीं, चलिए जल्दी चलते हैं अंदर, वरना हम भी लेट हो जाएंगे। तो चलते हैं अंदर। दक्षेश्वर महादेव की मूर्ति को दिखाना मना था गाइज, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। कोई ना, पर और भी चीज़ें हैं, हम आपको दिखाते हैं। मंदिर परिषद में अभी तक काम चल ही रहा है, और भी मंदिर स्थापना की बात कर ली थी यहाँ पे। यहाँ देखिए अभी भी काम चल ही रहा है यहाँ पे। तो चलिए और भी दर्शन कर लेते हैं महादेव के अंदर। यहाँ देखिए, तो अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था दक्षेश्वर महादेव की वीडियो बनाना, तो कोई ना, चलिए आगे चलते हैं और दौड़ते देवता से मिलवाते हैं आपको। तुम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। यहाँ देखिए यहाँ पे नौ दुर्गा माता की तस्वीर है, फोटो है, मूर्ति है। तो आप भी यहाँ दर्शन कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। नीचे लड्डू गोपाल का भी चित्र बनाया गया है, उसको भी हाथ जोड़ लीजिए और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इस मंदिर का जो डिज़ाइन है ना, काफ़ी अच्छा है, जो कि अकॉर्डिंग टू मुझे अदर टेम्पल की ज़्यादा अच्छा लगा ये टेम्पल। और बहुत अच्छा सुना मैंने सोच रही थी कि मुझे जिसने बताया है ना, मैं उसका कैसे धन्यवाद करूं कि काफ़ी अच्छा मंदिर है। मुझे यहाँ पे आकर के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये मंदिर आपको भी एक बार ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ देखिए कुछ तस्वीर के माध्यम से हमें बहुत सारी स्टोरीज़ बताई जा रही हैं कृष्ण भगवान की, जो कि काफ़ी अद्भुत है, हम सब तो जानते ही हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ मनाई की गई है, वो चीज़ भी आप फॉलो कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। हाँ, आप दर्शन कर रहे हो भगवान हनुमान जी के, बजरंग बली के। आज दिन है शनिवार का और हम दर्शन करने आए हैं बजरंग बली के। यहाँ देखिए बजरंग बली भी हैं, काल भैरव जी भी हैं और गणेश जी भी हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए। और इतने अच्छा दिन है आज शनिवार का, मैं सोच ही रही थी कि मेरे शनिवार को दर्शन नहीं हो पाए हनुमान जी से, यहाँ देखिए हो ही गए। और आप भी दर्शन कर लीजिए।
हाथ जोड़ लीजिए। और यहाँ पे काफी काफी ज्यादा बंदर हैं, इस चीज का ध्यान जरूर देना पड़ेगा। काल भैरव बाबा का ही मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, तो हम सब उनको नमन करते हुए चली चलते हैं आगे की तरफ। और मंदिर यहीं पे खत्म भी होता है, इतना ही मूर्तियाँ थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही बड़ा और विशाल मंदिर है, अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ काम चल ही रहा है, सारी चीजें यहाँ भी बन रही है। जैसे पता ही आप लोगों को लॉकडाउन के चलते सभी चीज़ें रोक दी गई थी, सारा काम काज रोक दिया गया था, मंदिर परिसर बनाने वाला काम भी रुका हुआ था। तो लगता है कि अभी काम स्टार्ट फिर से हो चुका है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं हरिद्वार दर्शन करने के लिए, वो यहाँ दक्ष मंदिर में जरूर दर्शन कर रहे हैं, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो अभी आप देख सकते हैं दक्षेश्वर महादेव जी पंचायती अखाड़ा, यही नाम है यहाँ मंदिर का, बहुत ही सुंदर और बड़ा मंदिर है। जहाँ बजरंगबली हो वहाँ पर ये वानर सेना ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखिए वानर सेना तो होगी ही होगी ना। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्यारा है, जैसे अपना बनारस में संकट मोचन है सेम वैसे ही लग रहा है यहाँ पर मुझे, अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी। ऐसे बहुत ही मंदिर है, हरिद्वार तो पूरा मंदिर हो का ही शहर है, पर जितनी जानकारी है उतना हम लोग जा रहे हैं आपको भी दिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप सब भी। और यहाँ दर्शन करिए, यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही हैं, पर भाई कुछ भी कहो बनारस तो बनारस से खाने पीने की चीज़ें यहाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। तो अपना बजट एकदम फुल करके आइएगा जब भी आपको आना हो, पर एक बार आना जरूर चाहिए। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर भी, बहुत अच्छा। लो भाई अभी भी लस्सी लो। अभी तक हम लोग मॉर्निंग से चार आइसक्रीम खा चुके हैं, आने वाली तबीयत खराब होगी हमारी, और अब ठंडी ठंडी लस्सी। तो खाना पानी की बात चली, फिर से स्टार्ट कर दिया मैंने शॉपिंग, और शॉपिंग तो हमारी होती रहेगी। तो चलिए इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।